आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, बहुत सारे बतख इधर दिखाई दे रहे होंगे हमारे पीछे। और हमारे साथ ही देखिए हमारे बड़े भैया हैं, इनका शुभ नाम क्या नाम है? कुंज बिहारी सिंह। कुंज बिहारी सिंह कुशवाहा है। और हम सोचे आज कि एक वीडियो किया जाए। अब आप इधर आओ, नजदीक आओ ताकि आते जाओ बेटा, बतख भी दिखेंगे, है ना। शाम का समय हो चुका है, करीब 4:30 बजने वाला है। और ऐसे में हम सोचे कि बतख पालन को दिखाया जाए एकदम नजदीकी से, है ना। तो भैया आप एक बात बताइए, ये बच्चे जो है ये कितने दिन के हो गए हैं बच्चे? अब आप इधर नजदीक से आओ। 3 माह के हैं। 3 माह के बच्चे हैं। लगभग ये कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं सबके सब? 4.5 महीने में अंडा पे आ जाएंगे। 4.5 महीने में अंडे पे आ जाएंगे। लगभग एक बच्चा कितने का पड़ा है आपको? इधर हो जाइए कैमरे के सामने। 50 रुपए का बच्चा मिला है। 50 रुपए का? हाँ। एक बच्चा 50 रुपए का पड़ा है। पड़ा है। टोटल कितने बच्चे हैं इसमें? इस समय 1200 बच्चे हैं। 1200 बच्चे हैं। 50 रुपए से कितना हो गया? 12×5=60। कितना हो गया? 60,000। 60,000 यानी 60,000 रुपए आप खर्च किए? 60,000 रुपए वो प्लस चारा में 40,000, लाख रुपए के करीब। अच्छा, तो एक बात बताइए इस पे फीड वीड का क्या खर्चा आ जाता है या फिर चरा के हो जाता है? 40,000 अभी तक, मतलब 40,000 अबाउट खर्च में हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, बाकी सब खेतों में घुमा रहे हैं अब इसको। खेतों में जानकारी के लिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे भैया जो है ये दूसरी बार बच्चा ले आके पाल पोस के इतना बड़ा कर रहे हैं, है ना। 3 महीना बताए है ना। इधर भी घुमा दीजिए बाबू, है बाबू उधर भी दिखा दीजिए, ले जाइए नजदीक। अरे ले जाइए नजदीक। इस समय बतख पालन सबसे ज्यादा मुनाफा का सौदा साबित हो रहा है। इसीलिए बहुत से भाई जो है यूपी बिहार अन्य कई राज्यों में बतख पालन को बहुत जोरों शोरों से लेके चल रहे हैं। भैया एक बार और बतख अपने यहाँ लेके आए थे, इधर बतख दिखाइए, बतख दिखाइए। भैया एक बार और बतख लेके आए थे जिसमें करीब 500-600 बच्चे लेके आए थे आप ना? हाँ, उसमें 600। हाँ, तो अच्छा खासा इनको मुनाफा हो गया था, इसके बाद ये दूसरी बार अपने यहाँ लेके आए हैं। उसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ था, इसलिए अबकी बार 1200 लाए। हाँ, मतलब ये कम स्तर से शुरुआत किए हैं बतख पालन से, इसके बाद दूसरी बार देखिए डबल कर दिए हैं, है ना। और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो कार्य है बतख पालन सबसे लोकप्रिय है, अच्छा है। इस समय हरा पत्ता वगैरह घास वगैरह सब चर चुर के किसी तरह अपना काम यह सब चला लेते हैं। अगर आपको खर्च देना होगा तो लेबर वगैरह का खर्च देना होगा हमारे ख्याल से। हाँ, लेबर खर्च 10,000 रुपए महीना चलता है। हाँ, 10,000 रुपए महीना। भैया एक बात और बताइए, ये अंडे पे कब आ जाएंगे? 4.5 महीने पे, जैसे 25 मार्च को फरवरी डालेंगे। हाँ। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आधे जुलाई जाते जाते कम से कम जुलाई शुरू होते होते अंडे पे हो जाएंगे सब। अच्छा, एक अंडा लगभग कितने रुपए का बिकता है? 10 रुपए का। 10 होलसेल रेट 10 रुपया, घर में 12 रुपया। अच्छा जी, एक अंडा 10 रुपया। और अगर एक बतख अगर इस तरह से अगर आपको बेचना हो 250 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, देश के लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, बतख पालन फायदा का सौदा है या फिर क्या? बतख पालन में सबसे ज्यादा फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा है। मेहनत है, खर्च कम है। मेहनत है, खर्च कम है। भाई कोई भी काम करोगे तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेहनत के अनुसार इसमें मुनाफा है। हमारे मन में कई बार यह था कि हम बतख पालन को बिल्कुल नजदीक से दिखाएं, तो आज ऐसे ही हमारे मन में अचानक ये ख्याल आ गया, तो हम सोचे कि चलें और बाहर खेतों की सीवान में ये सब बतख चर रहे हैं, तो हम सोचे कि वीडियो करके इनको दिखाया जाए। आप लोग कमेंट करेंगे कि आप बढ़िया से विधिवत वीडियो बनाइए, तो और नज़दीकी से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बतख पालन को हम जानकारी के लिए बताना चाह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो है इस समय फायदे का सौदा साबित हो रहा है। यही कारण है कि बहुत से जगहों पर बतख पालन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। गेहूं कटी हुई है और गेहूं कटने के बाद खेतों में आप लोग देख रहे होंगे ये सब जैसे बतख जो है चरते नजर आ रहे हैं। हाँ। यानी ये सुबह खुलते हैं शाम को घर जाते हैं। शाम को घर जाते हैं, यानी सारा का सारा दिन ये चर के ही रह जाते हैं। नजदीक से दिखाइए, नजदीक से बाबू। एक घंटा के लिए खेतों में चरते हैं, फिर दिन भर पानी में, फिर शाम को भी 1 घंटा चलाते हैं। दीजिए, हमारे पास कैमरे के पीछे देखिए ये छोटे से बाबू है और बहुत कम ही इनके हाथों में कैमरा वगैरह
आता है, इनको खास उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम नजदीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल कितना है भैया? 1200 बच्चे हैं टोटल। 60 रुपए के बच्चे पड़े थे, 50 के, अच्छा 50 रुपए के बच्चे पड़े थे। और सामने जो आप देख रहे हैं कुछ बिहारी सिंह कुशवाहा है, और ये एक सफल आप कह लीजिए कि फार्मर है, किसान है, कई वर्षों से अपना मुर्गी फार्म भी चला रहे हैं, लेकिन मुर्गी फार्म के साथ साथ ये बतख पालन शुरू किए थे, तो शायद इनको बतख पालन में ही सबसे बढ़िया फायदा साबित हुआ। हाँ, तो इसके बाद से ये बतख पालन ही ज्यादा जोरों शोरों से कर रहे हैं ना। खर्चे भी कम है इनके रख रखाव में, हमारे ख्याल से खर्च कम है, ज्यादा फायदा है और मेहनत है। इनको छप्पड़ वगैरह में भी आप आसानी से रख सकते हैं। एक और बात जानकारी के लिए बताना चाह रहे हैं, इनको आप खुले जगहों पे भी रख सकते हैं, खराब मौसम में भी रख सकते हैं। खराब मौसम में बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सिर्फ पत्थर नहीं आना चाहिए, पत्थर पास न पड़े भाई। बारिश हो, बूंदा बूंदी हो, जोरों की भी बारिश हो, उसमें भी बतख आराम से रह जाएंगे। खाने में ये सब बेचारे अपना चर खा के जीवन निर्वाह कर रहे हैं, घास भी खा लेते हैं, हरा पत्ता भी खा लेते हैं, है ना। सबसे बढ़िया बतख पालन, देश के जितने भी युवा लोग हैं या फिर किसान भाई हैं, तो वो चाहे तो बहुत ही आसानी से अपने घर पे बतख पालन कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 85% कि बतख पालन मुनाफे का ही सौदा साबित होगा, घाटे का नहीं, अगर अच्छे से किया जाए तो, है ना। इनमें दवा दुआ का भी खर्चा नहीं, दवा नहीं होता है ना के बराबर है, इसमें कोई दवा की कोई वैक्सीनेशन जरूरत पड़ता है तो सिर्फ पैरासीटामोल दिया कीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं आएगा। पैरासीटामोल बस बहुत कम, मतलब दवा का खर्च इस पे बैठता है, और जैसे आप मुर्गी पालन करेंगे तो उस पे जो है कुछ ज्यादा ही खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। मुर्गी पालन तो खर्च है ज्यादा, खिलाएंगे। अच्छा आप बताए नहीं भैया एक बात, कौन सा नस्ल में होंगे? रनर है ये, रनर। अच्छा बता की कितनी प्रजातियां होती है? तीन वैरायटी होती है। हाँ बताइए। हॉकी कैंपबेल, इंडिया रनर और व्हाइट बैगिंग। अच्छा जी, तो सबसे बेहतर इसका अच्छा अंडा माना जाता है वो कौन सा है? इंडिया रनर। अच्छा जी, हॉकी कैंपबेल अंडे के लिए ज्यादा वैरायटी है। अच्छा, लेकिन उसका अंडा सुटेबल नहीं होता है। अच्छा जी, क्योंकि वो लोग इस तरह खेतों में घूम कर नहीं चल पाएंगे, उन लोगों को बैठा करके खिलाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो क्वालिटी हमें लग रहा है कि इनके अंडों का भी क्वालिटी है, प्लस खाकी कंबल का अंडा इन लोगों का 10 रुपए बिच रहा है, तो खाकी कंबल का अंडा 8 रुपए का निकलेगा। अच्छा जी, यानी प्लस पीस ये लोग 250-300 का बिकेंगे, तो लोग 100-150 रुपए पीस बिकेगा। अच्छा, बच्चा उसका 80-100 रुपए का एक बच्चा है। हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बतख पालन करना हो तो किस तरह का बतख रखे? इंडिया रनर। इंडिया कम खर्च में ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा फायदा, इनके हकला हो जा रहा। लगभग ये इनका अंडा देने के औसत क्या है? 80%। मतलब कितना अंडा, मतलब साल में 280 अंडा, साल में 280 अंडा, 280 अंडा, एक अंडा लगभग कितने का बिकेगा? 10 रुपए का। आप लोग जो जोड़ लीजिएगा, अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना इसमें बेनिफिट है ना। और हम दावे के साथ कह रहे हैं फिर से कि 85% इसमें मुनाफे का ही सौदा जो है साबित होगा, इसमें कोई भी घाटा नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग बतख पालन कर सकते हैं। आप 500 बतख रख सकते हैं सबसे पहले अगर शुरुआत करना है तो, है ना। और 500 से आप लोग रिजल्ट देखिए, अगर अच्छा रिजल्ट मिले तो फिर आप पहले बार किसी जितना भी हो सके कम से कम स्टार्ट कीजिए, ताकि दूसरी बार खुद वो ऐसा होगा, फायदा होगा तो आप खुद आगे बढ़ें, कम से शुरुआत करें। हमें ख्याल है कि एक बार भैया जो है जब शुरुआत किए थे अपना मुर्गी पालन का, है ना, तो वो समय कोरोना काल वाला था, लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी जब इनके मुर्गे तैयार हुए चूजे से, तो उस समय मुर्गों की कीमत नहीं थी अच्छी खासी, है ना। लेकिन किसी तरह चला इनका फार्म, इसके बाद ये कुछ समय के बाद ये बतख पालन की शुरुआत, मैं पहले ही बताया नहीं कि 500 पहले लाए थे तो उसमें ये काफी मतलब सक्सेस रहे, इसके बाद ये फिर डबल कर दिए। आपके पास डबल है? अच्छा, वो सबके सब जो बतख बड़े बड़े आप कर दिए थे वो कितने में कहाँ गए? 240 रुपए में चंदौली साइड में चले गए, चंदौली के लिए कटिंग। अच्छा अच्छा, मांस के रूप में भी ये बतख इस्तेमाल किए जाते हैं, तो
जो बड़े फार्मर हैं वो खरीद लेते हैं। आप बड़े करके भी चाहें तो इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। भाई जिसका इरादा है अंडा दिलवाने का, अंडा दिलवाए, नहीं इरादा है तैयार करके माल बेच देते हैं। अंडा दिलवाएगा तो उसको और प्रॉफिट मिलेगा। भाई 5 महीने जो इंतजार किया, 3 महीने क्यों नहीं इन लोगों को रख करके और अंडा निकाल लेगा। सही बात। और जानकारी के लिए हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये बतख के अंडे काफी ज्यादा, आप कह लीजिए कि अच्छा होता है खाने पीने के हिसाब से और स्वास्थ्यवर्धक होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बतख के अंडा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक तो खासियत यह है कि बतख का अंडा काफी थोड़ा साइज में बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है, काफी बड़े बड़े अंडे होते हैं। अगर तो भैया बतख पालन करना अनिवार्य है या नहीं? जिसको ज्यादा हो कर सकता है, वही है कि ज्यादा फायदा का मुनाफा है घाटा का मुनाफा नहीं। हाँ, जिस कुछ को लगता है कि घाटे का मुनाफा है, थोड़ा बतख डाल के पहली बार ट्राई ले, यदि फायदा है तो अगली बार से बढ़ा लेगा वो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब कितने दिन के हो गए भैया? 3 माह के। 3 माह के, 3 माह के ये सबके सब बच्चे हैं। और 2-2.5 महीने इंतजार करना है, इसके बाद अंडा आना। डेढ़ से दो माह बस। तो बस यही था, हम सोचे कि एक वीडियो के माध्यम से बतख पालन को दिखाया जाए। अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा उस तरह से कि और नजदीकी से हम दिखाएं, तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो और बना के दिखाने की कोशिश करेंगे।